ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः। हर मंगल कार्य की शुरुआत गणेश जी की आराधना से ही होती है, इसीलिए गणपति बप्पा मोरया। दरअसल हम भारतीय लोग जीवन को पूरी शिद्दत से जीने में यकीन करते हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ ढेर सारे उत्सव और त्यौहार हैं, जिसमें से एक उत्सव ने महाउत्सव का दर्जा हासिल किया है, वो है भारतीय पारंपरिक विवाह। इस महाउत्सव में दूर दराज के रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, फिर मस्ती है बच्चों की तमाचौकड़ी, सस्ती है गीत संगीत की महफिलें, सजी धजी महिलाओं के बीच दिखावे के कॉम्पिटिशन, घोड़ों की बकैती और बहुत कुछ। इन शादी विवाह का भी एक मौसम होता है। अब देखिए ना, पंडित जी ने मेरी भतीजी सिमरन के शुभ विवाह का मुहूर्त मानसून के समय निकाल दिया। घर के बड़े बुजुर्गों ने इसका ये मतलब निकाला कि उसका विवाह भी बारिश की तरह हरा भरा रहेगा। अरे बातों ही बातों में तो भूल ही गया, आप भी इस मानसून वेडिंग में सादर आमंत्रित हैं। तो आइए, आपकी मुलाकात भी शर्मा खानदान के कुनबे से करवा दूं। ये है राकेश भैया, हेड ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हैं। यजमान, इसमें विवाह की सारी सामग्रियां लिखी हुई है, इसे उपलब्ध करवा लीजिएगा। जी पंडित। जी भैया, ये लिस्ट लेकर शाम को बाजार चले जाना, खरीदारी करेंगे। जी भैया, हो जाएगा। ये क्या हाल बना रखा है दीदी, ये कुछ लेते क्यों नहीं हो? तू भी ना प्रियांशु, शादी का घर है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, तो क्या कोई अपना ख्याल भी ना रखे? तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे क्या तरीका है ये सब, किसी को फिक्र ही नहीं है हमारी, सब अपने में मस्त व्यस्त हैं। ये हैं हमारे भागलपुर वाले चाचा, शिकायत की चलती फिरती एटीएम मशीन, गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है इनके। क्या हुआ था जी? अरे ये कोई नाश्ता है, बिस्किट पिक्चर और ये पता नहीं क्या। हाँ ताऊजी, मैं समझ सकता हूँ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अरे मूंग दाल का गर्मा गर्म हलवा बनवाओ, वो भी देसी घी में। तब तो आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। वो क्यों? मेरा मतलब है कि मूंग दाल का हलवा खाना है तो पहले मूंग दाल को पानी में भिगोना भी तो पड़ेगा। तो अगर हलवा खाना है तो शाम तक इंतजार करिए, और अगर अभी खाना है तो ठीक है अब मेरा सर मत खाओ। जी बहुत अच्छा। सिमरन की बुआ जी। अरे बुआ जी, आप तो बड़ी हॉट लग रही हैं। थैंक यू मोहित। बुआ जी स्माइल। कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, तो चलिए अब दुल्हन से भी मिल ही लिया जाए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अरे होता है, शादी के बाद घर से बिछड़ने का दुख तो होता ही है। अरे पगली, तुम कहीं बहुत दूर थोड़ी ना जा रही हो, बस इस मोहल्ला से उस मोहल्ला। चाचू। समझ गया, मुझे अकेला छोड़ दूँ ना? छोड़ दिया मेरी प्यारी गुड़िया। अरे काला टीका भी लगा लेना, किसी की नजर ना लगे, देखना कोई आंखों का काजल चुरा कर ना ले जाए। देखकर नहीं चल सकते क्या? Idiot. अब हटोगे भी? I'm sorry.
the way, you are looking very pretty. मेरा नाम प्रियांशु है। अरे हाँ हाँ वही। एक बात बताओ, ये जो नचनिया है वो मर्द है या जनानी? ताऊ जी मैं अभी पूछकर बताता हूँ। हाँ हाँ जरा जल्दी। अरे अमित। नमस्ते बाबा जी। आ गए तुम? बाकी के लोग कहाँ है? मम्मी जी आने वाले थे मगर एनबक पर छुट्टी कैंसिल हो गई। उन्होंने शगुन देकर मुझे भेज दिया। वो सब ठीक है, ये बताओ उन्होंने मेरे लिए लखनवी चिकन का सलवार सूट भेजा है या नहीं? ऐसा तो कुछ दिया नहीं। तुम्हारी मम्मी थी ना, अब मैं सिमरन की शादी में क्या पहनूंगी? बड़े अरमान थे कि ऐसा। तो मम्मी जी को मैं भी फोन लगा। अब क्या तुम्हारी मम्मी सलवार सूट व्हाट्सएप पे भेजेगी? यजमान फेरों का सो मुहूर्त रात ठीक 10 बजे का है, ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। सिंदूरदान का सो मुहूर्त रात ठीक 3 बजे का है, ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। कन्यादान का सो मुहूर्त रात 4 बजे का है। हाँ हाँ समझ गई, ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। हाँ हाँ वही वही जी पंडित जी।
सब कुछ समय पर ही होगा। और तुम लोग भी सुनो, देर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। मैं आज ही लड़के वालों से बात करता हूँ। पंडित जी, जरा वर वधु की कुंडली तो देख लीजिए। जी, ये मेरा ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? ये परी है या जन्नत की हूर? इस अदा पर कौन ना मर जाए ए खुदा। कत्ल करती है मगर हाथ में तलवार नहीं है। इडियट, टॉफर, स्टूपिड। इतने उदास क्यों? क्या बात होगा? जी कुछ नहीं काव जी। देखो बचवा, उदासी को करो दूर और मन को करो प्रसन्न। अरे मिल जाएगी नौकरी, नई सरकार आ रही है, फिर तो नौकरी ही नौकरी है। मन विचलित हो जाता है इस उम्र में, इसलिए मेरे साथ अनुलोम विलोम करो ऐसे। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। हैं? I love you, आस्था। नहीं, आस्था, I love you. I love you. Yes. क्या बोला? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। दूध के दांत टूटे नहीं, किसका भूत सर पर चढ़कर बोलने लगा। बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पुत कमाल। चल चल अभी तुझे बताता हूं। लंबू सीढ़ी ढंग से पकड़। मेरा नाम ऋषभ है, नाम से पुकार मुझे। तेरे जैसे जूनियर महीने में 20 मिलते हैं, सबका नाम याद रखते रहे तब तो हो गया। मैं तेरे को जूनियर दिखता हूँ, पॉलिटेक्निक किया है मैंने। अच्छा, बेटे की साइकिल करवा रहे, फैक्ट्री में काम करता, बकैती बंद कर अपनी। जस्टर दे, तू नहीं लाया बैग तुझे दिया था। चले आते हैं बिना टेस्टर के टेक्नीशियन बनने। करंट से तेरी फटती है। टेस्टर चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या किया तूने? चाचा जी की छड़ी तोड़ दी। मैंने कुछ नहीं किया भैया, ये अपने आप ही टूट गई।
चाचा जी छोड़ेंगे नहीं अब मुझे। एक मिनट नहीं रहेंगे हम इस घर में, ना किसी को हमारी फिक्र है और ना ही हमारे सामान की। अरे नालायक ने छड़ी तोड़ डाली। ताऊ जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए वैसी छड़ी बाजार से मंगवा देंगे। अरे रकेशवा, ये छड़ी हमारे बाबूजी की आखिरी निशानी है। अरे ताऊ जी, इसने उन दोनों की जान बचाई है, वरना उनकी जान जा सकती थी। ए, चल चाचा जी को सॉरी बोल। सॉरी ताऊ जी। सॉरी से क्या होगा, चल मुर्गा बन। इतने में ये हाल हो गया? हाँ चल फिर से मुर्गा बन। अरे तुम लोग बच्चे की जान लोगे क्या? चल खड़ा हो जा। अरे तू अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा मूंग दाल का हलवा लेकर आ चाचा जी के लिए। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आज रात भागना होगा हमें। बस स्टॉप पे इंतजार करूंगा तुम्हारा, ज्वेलरी लाना भूलना मत। हमारे लाड़ प्यार का ये सिला दिया तुमने? बचपन से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, आस्था में और तुम में कोई फर्क नहीं किया। और बदले में तुमने क्या दिया? धोखा? मैं उसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? 4 दिन पहले मिले हुए उस अनजान लड़के का प्यार सच्चा, और 20 साल का हमारा प्यार झूठा? अरे तूने ये तो सोचा होता कि शादी से पहले तू किसी लड़के के साथ भाग जाएगी तो हमारा क्या होगा, शर्मा खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग ठीक ही कहते हैं, अपना खून अपना होता है और पराया पराया। दीदी मत बोल मुझे दीदी, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। 20 साल पहले एक अनजान बेसहारा लड़की को सड़क से उठाकर घर लेकर आई थी, सोचा था पल जाएगी, वरना सड़क पर जमाने भर के ठोकरे खाती फिरती। हाँ वो तुम्हें हो, जिसे हमने नाम दिया सिमरन और अपना सरनेम दिया शर्मा, सिमरन शर्मा, लेकिन गंदे खून ने अपना रंग दिखा के दिया। अरे किशोर सर आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बहुत अच्छा लगा आपको देख। मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट की शादी का मौका है, आशीर्वाद देने तो आना ही था। सिमरन मीडिया बहुत खुश हो गया आपको देख। अरे भूल वाला जी कैसे हैं? बस ठीक है। ये लीजिए मेरी तरफ से सिमरन के लिए। तो मैं मार्केट जा रहा हूँ। नमस्ते सर।
क्या बात है मधुबाला जी, आप कुछ परेशान लग रहे, शायद मैं कुछ कर सकूं। सर सारी तैयारियां हो चुकी है शादी की, और सिमरन लगाओ लगाओ, फोन लगाओ उसको। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ ज्वेलरी का? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ज्वेलरी से कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि दीदी के सारे ज्वेलरी तो आर्टिफिशियल है, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है उनके पास। व्हाट? हाँ एक बार हम यहाँ से भाग गए तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लेंगे? अरे बिना पैसों को सड़क पर रहोगी? इससे अच्छा है कि मैं अपना गुजारा अकेले कर लूँ, समझी? अब जबरदस्ती मेरे गले मत पड़ो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? रख लिया ना अपने सच्चे प्यार में? अभी भी देर नहीं है, विवेक से काम लो। म्यूजिक कट। मेरी शादी और आप सब लोग मुझे ही छोड़ के डांस कर रहे हो? मास्टर जी मुझे भी डांस करना है। ऑफ कोर्स सिमरन, लेट्स डू इट। मास्टर जी मेरा डांस ना सबसे बेस्ट होना चाहिए। डोंट वरी, आफ्टर ऑल यू आर ब्राइड। ये आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं काफी शर्मिंदा हूं। सुबह का बोला तुम शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते, तो मेरी सबसे प्यारी सबसे छोटी पैदा दीदी।